हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेप फिल्म्स न्यूज़। दोस्तों, यदि आप PSL सहारा व अन्य चिट फंड कंपनियों की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं और साथ में हरियाणवी सॉन्ग्स, कॉमेडी वीडियो, जागरण और भजन सुनना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करें और साथ ही आपको एक घंटे का निशान भी दिखाई दे रहा होगा, इस पर भी क्लिक करें। इससे आपको फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री है। सकाते हैं और गाली गलौज करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि भाई कहाँ गए आदमी, कहाँ गए वो, कहाँ गए। तो हम तो घर से काम के लिए बाहर जाते हैं, फिर घर पे आके गाली गलौज करते, फिर हमारे घर पे कितने भी अपशब्द बोलते हैं, फिर हम घर आते हैं तो हमारे बीच में झगड़ा हो जाता है। तो उसके सबकी जिम्मेदार कौन है? ये हम ऐसा भी हम आपको कहते हैं कि जो हमारा न्याय तंत्र जो इतना शिथिल हो गया तो हम विश्वास किसके ऊपर करेंगे। और हाँ, एक दूसरी भी बात मैं बताना चाहता हूँ। मैंने 12 महीने पहले एक बार एक लेटर लिखा था और उसी समय मैंने बोला था, और हम दिल्ली में गए थे तब जंतर मंतर पे धरने के अंदर मैं भी शामिल हुआ था, तब हम वहां पे 7 दिन रुके थे। और 7 दिन के बाद जब हम 2016 को अगस्त महीने के अंदर हम गए अरुण जेटली सर जी को मिलने के लिए, तब अरुण जेटली सर जी ने ऐसा बोला था कि आपका पैसा 2 माह में मिल जाएगा। और हमने यहाँ आने के बाद सब निवेशकों को बोला भी 2 महीने में आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा नहीं मिला। तो यहाँ हमारे हमारे घर पे सब लोग आने लगे कि आप हमारा पैसा लाओ, आप अपने घर से लाइए। तो मैं तंग आ गया और उसके बाद मैंने फिर से लेटर लिखा अरुण जेटली सर जी को और बोला कि सर आपने 2 महीने में पैसा देने का बोला था, लेकिन अभी तो ये 4 महीने बीत गए फिर भी पैसा नहीं मिला, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने पालनपुर, हमारी जो हीरो पालनपुर है, पालनपुर के अंदर अरुण जेटली सर जी ने फैक्स किया और ऐसा बोला कि जो हंसाजी प्रजापति नाम का जो आदमी है उसी ने मेरी मान हानी की, उसको तात्कालिक यहाँ पर पालनपुर पुलिस स्टेशन बुलाइए और फिर उसका बयान लीजिए। तो मैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन में गया और फिर मैंने बयान दिया, तो फिर बयान के अंदर भी मुझे बोला गया कि सच वो तो भी बताना लेकिन गलत लिखवाना नहीं है। तो मैं ये सब प्रूफ लेके गया था, तो मेरे पास में प्रूफ भी था कि अरुण जेटली के सर हम पास में बैठे थे और हमारा जो यूनिट था वो भी बैठा था और वहाँ रूबरू मैं भी गया था। तब हमने बोला था कि सर जी ये प्रॉब्लम आ गई है और अभी क्या होगा? तो सर जी ने ऐसा बोला था 2 माह में पैसा आपको मिल जाएगा PSL का, फिर भी PSL का पैसा नहीं मिला। तो फिर पुलिस स्टेशन में मुझे बुलाया, तो पुलिस स्टेशन में सब प्रूफ रखे और आज भी मेरे पास ये प्रूफ भी है और प्रधानमंत्री को भी मैंने भी लेटर लिखे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी लिखे, वो सब सबूत मेरे पास है और वो मैंने पालनपुर पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज भी करवाए, वो भी नायब पुलिस अधिकारी सर का मैंने उसे भी लिया है। और जब भी कभी भी ये प्रूफ की जरूरत पड़ेगी तो भी मैं दूंगा, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है वो पक्की बात है। और हाँ, अभी हम लोगों को गुमराह करने के लिए सेबी ने 2500 रुपये, सिर्फ 2500 रुपये देने के लॉलीपॉप बताई, हमारे साथ बहुत मजाक किया है, लेकिन निवेशकों के साथ ही मजाक करना बंद कर दीजिए। क्यों? कि सेबी की नीयत कैसी है वो पूरा देश जान चुका है। अभी जो सेबी सही होती तो सेबी क्यों नहीं देती है, मीडिया में क्यों नहीं देती और क्यों नहीं अखबारों में देती? अखबारों में भी देना चाहिए, मीडिया में भी देना चाहिए कि सेबी के विरुद्ध में आप हम लोग क्यों खड़े हुए। नहीं, सेबी के विरुद्ध में हम खड़े नहीं हो सकते, लेकिन क्या है कि सेबी ने तो ये सब कमाल किया है, सेबी की वजह से हम लोग अभी रोड पे आ गए। और मैं एजेंट था, 2005 से मैं जुड़ा था, तब से मैंने कंपनी में ईमानदारी से काम किया। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि एजेंट होना गुनाह हो, तो 2000 पहले कंपनी चालू हुई थी, 30 साल से चल रही थी, तो इस गुनाहित प्रवृत्ति को बंद करवाने का काम किसका था, वो भी सोचने का एक विषय है। और दूसरा तो दूसरा, हम समाज में कहीं भी प्रसंग में जाते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है, कितनी बड़ी बेइज्जती होती है। क्या इस भारत के कानून में ऐसा लिखा है कि भाई कोई भी इंसान ये काम करे और फिर बंद हो जाए, फिर बाद में बेइज्जती हो, तो हम कैसे आजाद है? हमें आजाद करवाइए, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अभी हम बहुत तंग आ चुके हैं, अभी जो ये जल्द से सॉल्व नहीं होगा तो इसमें कुछ नया होने वाला है, और नया क्या होने वाला है ये मैं एक नहीं करूंगा लेकिन पूरे हिंदुस्तान के 6 करोड़ लोगों के माध्यम से होगा। ये हम पूरे भारत के अंदर आवाज पहुंचाना चाहते हैं। जो संगठन की बात कर रहे हैं कि संगठन एक हो जाए और सब लड़ाई लड़ते, लेकिन संगठन की बात इसमें नहीं आ रही, इसमें तो किसकी बात आ रही? मेरी बात आ रही। मैं जो अपने आप पैर पे खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी बात मैं रख सकूंगा, लेकिन संगठन के ऊपर भी हम जो दोष करते वो भी नहीं, लेकिन दोष तो सेबी के ऊपर ही। क्यों? कि सेबी ये सब लोगों को गुमराह कर रही है और सेबी मेरे को ऊपर भी लेटर लिखा है, ये लेटर मेरे को
मार्च 28, 2018 अभी मिला है, अभी 15 दिन ही हुए, तो 10 दिन पहले लेटर लिखा और उसके अंदर भी 2500 का ही लिखा हुआ है। तो मैं फिर ये भी रिप्ले मांगूंगा उन लोगों के पास के कि 2500 का रिप्ले आप कब से दे रहे हो, तो क्या 50,000, 1,00,000, 5,00,000 की वो मुड़ी कब आएगी, वो तो एक सपना की बात है। इसीलिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारा कुछ न कुछ जल्दी से हल निकलवाए। धन्यवाद सर। जो पोस्ट कार्ड आपके हाथ में है उसमें आपने क्या लिखा है? इसमें लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश, इस पे एड्रेस पे हमने लिखा है कि भाई मेरे साथ ये परेशानी है, जब आप फैसला सुना दिए फिर पैसा से भी क्यों नहीं दे रही है हमने। आप ये कहना चाहते हैं कि जब आपने फैसला सुना दिया है तो सेबी सभी पीएसएल निवेशकों का, चिटफंड कंपनियों का पैसा क्यों नहीं दे रही है, इसी संबंध में आप ये बताना चाह रहे हैं? सेबी है सारा शरीर निर्दोष, इसका हम लोग का मतलब ये पैसा रोक रही है सेबी। अच्छा जी, चलिए सेबी है सर, चलिए ठीक है जी, जितना जल्द से जल्द पैसा को दे। आप कहाँ से आए और कहाँ के रहने वाले हैं? पकड़ी पकवाई एक गाँव है, उस गाँव से हम रहने वाले हैं। आपकी समस्या क्या है और आपने पोस्ट कार्ड में क्या लिखा है? मैं जमा कर रहा था पैसा काफी दिन से, मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ, काफी दिन से मैं पैसा जमा कर रहा था, मेरा पैसा अभी तक नहीं मिला। मैं सुप्रीम कोर्ट को लिखा हूँ, मेरा फैसला हो चुका था कि मिल जाएंगे, लेकिन 2 साल अभी तक कुछ नहीं